एथिकल हैकिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करें अभी के अभी साइबर रिच यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप लेटेस्ट अपडेट ना मिस कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रबल शूट करने वाले हैं ये वाली प्रॉब्लम को जो आपके स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ कि हुआ क्या। तो मैं अपने इस वाले लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर कर रहा था, करीब 150 GB की फाइल थी सारी जितनी भी थी। तो मैंने सोचा ईथरनेट केबल से अच्छा कोई उपाय होगा नहीं, मतलब कोई सोर्स होगा नहीं, तो मैंने ये वाला करा। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई और मैं बहुत लोगों को आई होगी ये प्रॉब्लम जब लोगों ने कभी ये ट्राई करा होगा। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आई तो ये वीडियो आपके लिए अच्छी है। तो ये वाली जो जितनी भी चीज़ थी ये तो खुल रही हैं, बट जब मैं सॉफ्टवेयर पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है परमिशन नहीं है और IP शो कर रहा है और उसका नाम शो कर रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसको कैसे ठीक करना है। तो वापस आ जाते हैं अपने इस वाले लैपटॉप पे जिससे हम लोग फाइल ट्रांसफ़र कर रहे थे, और ये रहा वो वाला फोल्डर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ उस पर परमिशन देने कैसे है। तो यहाँ गए हम प्रॉपर्टीज़ में और शेयरिंग में, उसको गए एडवांस शेयरिंग में। तो यहाँ पर शेयर हो रखा है, तो अब दिखाते हैं कि इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि परमिशन नहीं दी गई है उसको। तो हम यहाँ पर जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और उसके बाद आई होप आपको दिख रहा हो साफ साफ, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पूरे स्टेप्स दे दूंगा। सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा हमको और यहाँ जाना पड़ेगा एडिट में। एडिट में जाएंगे और आपको यहाँ करना पड़ेगा ऐड, एक हमें न्यू ऐड करना है और लोकेशन हमें देखनी पड़ेगी। हमें जाना पड़ेगा एडवांस में और फाइंड नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं कि हम उसका नाम ढूंढें, हम सीधा एक काम करते हैं, हम उसको सीधा एवरीवन को दे देते हैं, मतलब सबको ही दे देंगे इसकी परमिशन। बाद में हम इसको अपना सिक्योरिटी के हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे ओके, या एक और बार ओके, और यहाँ पे भी ओके, और यहाँ पे भी ओके। तो एक बार हम उसको वापस से रीचेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे गए, हमने प्रॉपर्टीज़ में गए और सिक्योरिटी में, देन फिर हम एडिट में, उसके बाद हमने फुल कंट्रोल यहाँ देख सकते हैं एवरीवन को, हमने यहाँ पे फुल कंट्रोल दे रखा है और इसको हमने कर दिया वापस ओके। अब हम जाके देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर वाला फोल्डर जो ये वाला है वहाँ पे खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। तो गए हम वापस इस पर, और जो हमने इस पर किया डबल क्लिक, तो आप देख सकते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर के अंदर फोल्डर्स थे, जो भी फाइल्स था, वो खुल रहा है यहाँ पे। एक बार मैं इसके अंदर भी दिखा देता हूँ आपको। तो सॉफ्टवेयर्स मैंने खोले तो ये सारे के सारे यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था कि इस वाली प्रॉब्लम से कैसे आपको बचना है। कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो आप ये वाली चीज़ करके देख सकते हैं। और बहुत सारे रीजंस होते हैं कि कभी आपकी आईपी काम नहीं करती, कभी कुछ काम नहीं करता, तो वो सब आप जब ट्राई करेंगे तो खुद से हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या आपका कुछ भी इसमें सीखने को मिला तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और न्यू वीडियो के लिए वेट करें। चैनल में ज़्यादा नई वीडियो आ नहीं रही है अभी कोई भी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी भी कोई ऐसा डाउट हो कोई भी ट्रबल शूटिंग के अंदर, तो कमेंट्स कर दीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे आके आप मेरे से पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगर मैं कर पाया तो। और जब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड।